Dear students, welcome back again. So, let's read second and third passage of this first lesson of English. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Messenger of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair, and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. So let's go through this passage again. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne amali taur par sabit kiya that no one could be more just and equitable than the Messenger of Allah Almighty. Koi shakhs bhi nahi ho sakta more zyada just munse insaaf pasand and equitable musawat qaim karne wala barabari qaim karne wala than the Messenger of Allah Almighty. Koi shakhs bhi Allah Taala ke paigambar sallallahu alaihi wa alihi wasallam se zyada munsif aur musawat qaim karne wala nahi ho sakta. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. Young trader, naujawan tajir ke taur pe, he earned the good reputation. Aapne bahut achhi shohrat hasil kar li. Reputation, shohrat, earn, kamana, hasil karna. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इससे पिछले पैराग्राफ में कम से कम तीन इस तरह के अल्फाज थे जिनका मतलब हासिल करना था और यहाँ पे एक और लफ्ज हमें मिलता है जिसका उर्दू तर्जुमा करते वक्त हम हासिल करना कहें तो ज्यादा मुनासिब होगा. ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई है, जिस जबान में हम तर्जुमा कर रहे होते हैं उस जबान में हमने ये देखना है कि हमारा जुमला कितना मौजूं मुनासिब और बामुहावरा बनता है. तो अल्फाज का चुनाव करते वक्त हमने जिस जुबान में तर्जुमा किया जा रहा है यानी यहाँ पे उर्दू में तर्जुमा किया जा रहा है तो उर्दू जबान को हमने मलबूजे खाकर रखना है. तो एक नौजवान ताजिर के तौर पर आपने एक निहायत ऑनेस्ट ईमानदार या दयानतदार फैर साफ सुथरा और खरा जिसमें कोई किसी किस्म की का कोई इस तरह का ना हो जिसमें कोई बेईमानी की या कोई शको शुबे की गुंजाइश ना हो एंड जस्ट और फिर इंसाफ पसंद बिजनेसमैन ताजर या कारोबारी शख्स. तो एक नौजवान ताजर के तौर पे आपने एक निहायत ईमानदार खरे और मुनसिफ व्यापारी या कारोबारी शख्स की शोहरत हासिल की. He always had fair and just dealings with all people. Dealings, लेन-देन. आप हमेशा दूसरे लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ, all people, तमाम लोगों के साथ निहायत खरा और साफ सुथरा लेन-देन करते थे. When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर की जा रही थी, being constructed, passive voice हो गया, और कौन से tense का passive हुआ? गेस करें. जी बिल्कुल ठीक है आपने, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव. जब काबा तामीर किया जा रहा था देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन. तो लोगों में ब्लैक स्टोन हजरे अस्वद, हजरे अस्वद की तंसीब सेटिंग उसको नस्ब करना, तंसीब से मुतालिक झगड़ा, देयर अरोज अ डिस्प्यूट, झगड़ा बरपा हो गया, फसाद बरपा हो गया, कश्मकश पैदा हो गई उनमें. फिर से देखते हैं,
जब काबा की तामीर की जा रही थी या जब काबा तामीर किया जा रहा था तो लोगों में हजरे अस्वद की तंसीब से मुतालिक झगड़ा हो गया, फसाद बरपा हो गया। He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. तो आपने हजरे अस्वद की तंसीब से मुतालिक निहायत मौजूम इक्विटेबल प्लान, निहायत मुनासिब मौजूम मंसूबा पेश किया या तजवीज पेश की। प्लान मंसूबा या तजवीज, क्योंकि बहुत आसान लफ्ज था, मैंने यहां पर उसके माने नहीं लिखे। इक्विटेबल निहायत मौजूम या मुनासिब। दिस प्लीज एवरीवन एंड सेव देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। इसने हर शख्स को खुश कर दिया और उन्हें एक कबायली कश्मकश से, कबायली झगड़े से बचा लिया। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, क्योंकि अगरचे मैं ये आपको इंग्लिश का लेसन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम जानते हैं इस्लामियात में हमने अब तक पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई इस जहान में, तो अरब के लोगों की क्या हालत थी। अरब में लोग कबाइल में बटे हुए थे और छोटी छोटी बात पे कबाइल में झगड़ा फसाद और जंग तो कई कई साल तक जारी रहती थी। तो यहाँ पर भी हजरे अस्वद की तंसीब छोटा मामला नहीं था और उस पर फिर कबाइल में बहुत बड़ी जंग हो सकती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निहायत मौजूम तजवीज दी, ऐसी खूबसूरत और मुनासिब तजवीज दी कि उस पर जो अरब के कबाइल थे जो मक्का में मौजूद थे उनके दरमियान जो मुमकिन तौर पर जंग हो सकती थी उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको महफूज रखा। Let's move on to the third passage of this lesson. And that is, as head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity. तो मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर, स्टेट रियासत, मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर, हेड क्या होता है, सरबराह, he decided all cases, आपने तमाम केसेस मुकदमा, आपने तमाम मुकदमात का फैसला किया ऑन मैरिट, मैरिट वाजिब तौर पर, हक पर, विद जस्टिस एंड इक्विटी, इंसाफ और मुसावात के साथ, इनरिस्पेक्टिव कताई नजर बालातर होकर ऑफ कलर क्रीड और रेस, कलर रंग क्रीड, मैं यहां पर मानी लिख दूं अकीदा। तो अकीदा चाहे कोई किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखता हो, उस वक्त वहां पे अरब में यहूदी लोग भी मौजूद थे, कुफार भी थे, मुख्तलिफ बुतों को मानने वाले लोग थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से मुतासिर होकर जो ईमान लाए वो मोमिनीन यानी मुसलमान भी वहां पर मौजूद थे। तो आपके इंसाफ के रस्ते में कभी ये चीज आड़े नहीं आई कि आप जिन लोगों के मुकदमात का फैसला कर रहे हैं वो कौन है। इस चीज से आपने हमेशा कतअ नजर होकर तमाम मुकदमात का फैसला किया। फिर से इसको दोहराते हैं, मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर आपने तमाम मुकदमात का फैसला रंग अकीदा और नस्ल से बालातर होकर इंसाफ और मुसावात के साथ हक पर किया। वंस एक दफा अ कुरैश वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, कुरैश की एक औरत एक दफा चोरी की कसूरवार पाई गई। अगेन पैसिव वॉइस है, वाज फाउंड, कौन सा पैसिव हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हुआ, वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। तो कुरैश की एक खातून चोरी की कसूरवार पाई गई। सम पीपल वांटेड टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट, कुछ लोग चाहते थे उसको सेव करना, बचाना, फ्रॉम पनिशमेंट सजा से बचाना चाहते थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, कुरैश के खानदान की इज्जत या उनके विकार को बचाने के लिए। तो एक दफा कुरैश की एक औरत चोरी की कसूरवार पाई गई, कुछ लोग कुरैश के खानदान के
वेकार को बचाने के लिए उस औरत को सजा से बचाना चाहते थे। They asked Hazrat Usama bin Zaid रज़ियल्लाहु ताला अन्हु to intercede on her behalf। उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसकी जानिब से सिफारिश करने के लिए कहा, intercede। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु requested the Holy Prophet, the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to forgive her। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह दरख्वास्त की कि उसे मुआफ कर दिया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत गुस्से में फरमाया, फ्यूरियसली गजबनाक होकर न्याय पेश में आकर गुस्से में आपने फरमाया, फ्यूरियसली गुस्से क्या फरमाया, बनी इज़राइल वाज रियन बिकॉज ऑफ दिस। बनी इज़राइल इसी वजह से तबाह हो गए, रियन तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बिकॉज ऑफ दिस इसी वजह से। दे अप्लाइड लॉ, दिस वर्ड इज लॉ, एल आई डब्ल्यू लॉ, इट्स नॉट ला, इट्स लॉ। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगेव द रिच। वो गरीबों पर कानून लागू करते थे, कानून नाफिस करते थे और उमरा को, दरविच उमरा को मुआफ कर देते थे। यहाँ पे दिलचस्प बात जो मैं बताना चाहता हूं, जब आप पोर और रिच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अतबार से अगर आप देखते हैं तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे एडजेक्टिव्स हैं, दोनों। पोर पीपल गरीब लोग, रिच पीपल अमीर लोग। लेकिन जब आप उनसे पहले आर्टिकल द का इजाफा करते हैं देन दे आर नॉट एडजेक्टिव्स, देन दे बिकम नाउंस रिप्रेजेंटिंग द क्लास। द पोर उमरा गुरबा, सॉरी गरीब लोग, तमाम गरीब लोग गुरबा। और जब आप द रिच कहते हैं उससे मुराद है, ये भी नाम बन गया और इससे मुराद है उमरा अमीर लोग। यानी ये ऐसा नाम बन जाता है जो अपनी जगह पे प्लूरल होता है और पूरी क्लास को शो करता है। सो दैट कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू टुमारो अगेन विद द थर्ड, सॉरी विद द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पैसेज। थैंक यू वेरी मच।